एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल साल कोटारी। आप लोग तो कैसे हैं? आप सब आए हो, आप सब ठीक होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो 9:45 हो रहे हैं। तो चाय मेरी वहाँ रखी हुई है, देख रहे हैं आप। ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट हस्बैंड कर चुके हैं, मैं रह गई हूँ। तो बस अभी मैं भी कर लूँगी, मैं क्या कर लूँगी, बस चाय रखी हुई है, चाय लूँगी। एंड एक और बात, कल का व्लॉग कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाई मैं, क्योंकि जो टोटो है मेरा छोटा वाला बेटा, उसकी ना एकदम से खांसी ज़्यादा हो गई थी, मतलब तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी उसकी। तो मैं इसलिए, हम उसको डॉक्टर के जब भी ले गए उसको शाम को, तो इसलिए व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। जो छोटी सी क्लिप थी वो फिर हस्बैंड ने डाली भी नहीं, वो आज के व्लॉग में डाल देंगे। वैसे तो वो खेल रहा था, बट ना वो दूध पीते टाइम ना बहुत खांस रहा था, बहुत ज़्यादा उसको खांसी हो रही थी, तो इसीलिए उसको ले जाना पड़ा हमें एकदम से डॉक्टर को। और फिर इसके पापा ने दिखाया भी वहाँ इमरजेंसी में इसको एकदम से, बस इन्हें तो वेट नहीं करना होता ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे क्लिनिक पे डॉक्टर के, तो बस इसीलिए। एंड एक और बात, आप ये मत सोचना कि मैं अभी नहाई नहीं हूँ, मैं नहा चुकी हूँ। बस ना जो ये इन्फेक्शन की वजह से जो ये स्किन हो रही है ना ऐसी, तो उसकी वजह से हो रहा है कुछ ना। मैं रात को लेट सोई थी तो नहा भी चुकी, पर फिर भी ना आँखों के पास से स्वेलिंग नहीं आ रही है। वैसे ही होता है मैं ना, जैसे अब हम जल्दी सो जाते हैं, तो अब जब जिस दिन भी मैं लेट सोती हूँ ना, तो अगले दिन सुबह ना फिर ऐसे ऐसे यहाँ पर हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि नींद तो पूरी नहीं हो पाती जब लेट सोएंगे और फिर सुबह जल्दी उठेंगे, तो फिर नींद तो नहीं होती कम्प्लीट। तो जी बस किसी वजह से हो रहा है, मेरे को भी ऐसा लग रहा है। हस्बैंड तो मेरे को कह रहे कि तू वो सब जब से उठ रहे जब से तू तो रसोई में है, तो नहा कर ली। उन्हें ये नहीं पता मैं नहा क्यों, नहा के मैं रसोई में थी। तो जी बस चलते हैं अपने काम की तरफ। अभी काम मेरा लगभग सब हो चुका है, किचन का मतलब हो चुका है, लंच वगैरह सबके बन चुके हैं, जो बर्तन बड़े बड़े थे मैं वो वॉश कर चुकी हूँ। अब सिर्फ जो जो चाय के पड़े हैं ना छोटे छोटे से गिलास, वही है चाय का है, और बस जी थोड़ा सा काम रहता है। मौसम आज ऐसा है कि बारिश का मौसम है, तो पता नहीं कब धुंधला नहीं धुंधला, देखती हूँ जैसा भी होगा। काम अभी मेरा ऐसे पूछा भी रहता है, कभी मैं जल्दी जाती हूँ कभी देर रहता है, तो बस ऐसे ही है। तो मैं तो पा रही हूँ, टोटो है ना आज वो भी बहुत लेट उठा, वरना वो ना मेरे साथ ही बहुत जल्दी उठ जाता, आज वो भी बहुत लेट उठा, बल्कि मम्मी कह रही थी जा और ज़्यादा उससे ऐसे बोल रही थी। तो बस वो भी नहा तो चुके हैं दोनों बच्चे, मंदिर भी जा चुके हैं, बस मैं ही नहीं जाती मंदिर, तक मन सा नहीं करता। कुछ काम की वजह से ना मेरे को टाइम नहीं मिलता, फिर भागा दौड़ी में मंदिर जाती, फिर जल्दी जल्दी यहाँ आना आना, फिर काम में लग जाना एकदम से, इसलिए फिर मैं रहने देती हूँ। या तो जल्दी उठो और नहा लूँ। अब मैं 5 बजे भी अगर उठती हूँ ना मॉर्निंग में, तो मेरे साथ ही मेरा छोटे वाला बेटा उठ जाता है, तो फिर अब तो वैसे मैं जा सकती हूँ क्योंकि मम्मी उठ जाती है, बट कभी कभार कभी वो कर रहा है एक दो दिन से जैसे भी उठता है, तो फिर मैं अभी सोचती हूँ कि चलो मैं थोड़ा सा, तो 6 बज जाते हैं हमें। वैसे कभी कभार 4:45 आँख खुली जाती है मेरी। तो जी बस एक मैंने ना बहुत वैसा सपना देखा, कैसा देखा बताऊँगी, मेरे को डर भी लग रहा है, मैं सो आँखें मिच रही ना मेरी, तो मेरे को डर लग रहा है बार बार। तो बताऊँगी आपको फिर जब फ्री होके बैठूँगी, तो मैं आपको अपना सपना बताऊँगी। तो चलिए भी आपसे बाद में मिलूँगी, अभी देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। मैं अभी बना नहीं रही थी व्लॉग, क्योंकि क्या हुआ, मैं ना जैसे आई किचन विचन का काम करके ख़त्म फिनिश करके और यहाँ पे लाके ब्रेकफास्ट रख दिया उनके लिए रखने लिए, तो बस पूरी बात पे ना दोनों की ऐसी हो गई, फिर मैं चुप होकर बस शांति हुई, फिर मेरा मन नहीं करा, मेरा मूड खराब सा हो गया, फिर नहीं बनाया मैंने। फिर अब वो बोले ना तब मेरे को ठीक से होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा देर ना मूड भी ऑफ नहीं रख सकती अपना, तो जी बस इसीलिए फिर मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। चलो अब लोग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि देखो अच्छा नहीं लगता मैं आप लोगों को ऐसी वैसी कोई भी मतलब मुंह बना के या कुछ भी बना के ब्लॉग वगैरह शूट करूं। मैं सोचती हूँ कि भाई जैसे मेरा नेचर है स्माइली फ्रेंकली रहती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, तो बस इसीलिए मैं वैसे ही आपसे बात करूँ। जो ये नहीं कि मेरा मुँह बना हुआ है तो मैं, अब मेरा मूड ऑफ है, मैं अपसेट हूँ,
तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि नहीं। आप ब्लॉग देखने आते हो तो कुछ अच्छी चीज़ें देखने आते हो, कुछ पॉजिटिव देखने आते हो, पॉजिटिव तो इसीलिए नेगेटिव चीज़ें हम आपको नहीं दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे पॉजिटिव चीज़। तो भी चलिए, और छोटी मोटी तो सबके बीच होती रहती है, और मेरी और मेरे हस्बैंड की तो ना अब किसी भी बात पर बस ऐसी हो जाती है, अब चुप हो जाते हैं तो फिर बोलना बंद। तो बस इसीलिए अब आगे देखते हैं, आप देखो ये आ गए, अभी रेडी होंगे। देखिए अब मिल रही हूँ आपसे, तो 12 बज चुके हैं, अब जा रही हूँ रोटियाँ बनाने, काम खराब हो चुका है, कपड़े भी मैंने वॉश कर दिए, पहले नहीं कर रही थी क्योंकि मैंने बोला था ना जैसे मौसम खराब हो रहा है, वही हुआ, बारिश हो रही है, पर फिर भी मैंने कपड़े धो दिए क्योंकि ऑफिस के कपड़े भी थे। तो जी बस ठाक से रोटियाँ बनाते हैं, फिर आके बैठ ठीक करेंगे, अभी बस इतना ही समय टाइम मैंने हवासा जो भी है इधर कर दी है। तो बस अब जाते हैं एंड करते हैं रोटियाँ बनाते हैं, चलिए तो फिर। एंड आपको एक और बात बता दूँ, हमारी आज एक और चीज़ फाइनल हो चुकी है, बट वो अभी नहीं बताऊँगी मैं आपको कि क्या है वो, मैं आपको जिस दिन मावस बजेगी मीन्स के संडे में आ जाएगी घर पे, तो उस दिन ही पता चलेगा क्योंकि उस श्राद्ध खत्म हो जाएंगे तो उस दिन कोई भी नई चीज़ आ सकती है ना, तो इसीलिए वेट करिए और मेरे ब्लॉग में बने रहना, ठीक है। तो देखिए दूध उबल चुका है, ये दूसरा दूध भी उबल गया, ये तो मैंने सुबह ही उबाल दिया था डेयरी वाला, एंड ये समिक्स वाला जो गाय का है, तो वैसे अब मैं इसको करती हूँ जग में, फिर बनाती हूँ। कैसे खड़े हैं दोनों, पूछ रहा है मैं बना रही हूँ पुलाव, और टाइम हो रहा है 7:45 का। तो जी बस अब पुलाव बन चुका है, तो अब जल्दी जल्दी से रोटियाँ सेकूँगी जो बननी है थोड़ी बहुत, और आज पुलाव इसलिए बनाया थोड़ी ना, एक तो सब्जी रखी हुई थी, वैसे तो सब्जी में ही पूरा हो जाता बट फिर भी मैंने बना दी थी, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है सब्जी, तो इसीलिए पुलाव बना दिए हैं। तो बस अब समीक्ष के पापा अभी तक आए नहीं हैं, और हाँ मैं एक और बात बताती हूँ, जो आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा वो आपने थोड़ा सा ही देखा होगा, वो व्लॉग तो क्यों देखा होगा मैं बता देती हूँ आपको क्या हुआ था, कि कल जब मैं कंटिन्यू चल रहा था मेरा व्लॉग, आपने देखा कि मैं आपको सांप की वीडियो दिखाती थी, बट क्या हुआ टोटो है मतलब मेरा छोटा वाला बेटा है संदीप, उसकी तबीयत ना ख़राब हो गई थी ज़्यादा, मतलब खांसी ज़्यादा हो रही थी, तो इसीलिए उसको हमें डॉक्टर के लेके जाना पड़ा, इसी वजह से आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए मैं लोग, इसीलिए आपको इतना ही देखने को मिलेगा जो आपने देख भी लिया होगा आप लोग। तो जी बस एंड इसका भी आपको थंबनेल देख के पता लग ही जाएगा कि किस देश थंबनेल क्या है और कितना लोग बनाए। तो जी बस अभी चलते हैं, और आज बारिश सुबह से लगी हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, मैं आपको थोड़ा सा बाहर का भी नहीं कर रही थी। तो जी देखिए सारी गली कैसे हो रही है गीली, बारिश आपको ऐसे देखने को मिल जाएगी, ये देखिए तो सनिक्स के पापा नहीं हुआ है, और गाड़ी आपको नहीं दिख रही होगी, गाड़ी हमने पार्किंग में खड़ी करवा दी है, अब गाड़ी पार्किंग में ही खड़ी होती है। तो अभी बस चलिए अब अंदर चलते हैं, देखिए बारिश हो रही है, आप लोगों के भी घर में होता हुआ ऐसे, तो हम भी ऐसे कपड़े सुखाते हैं बीच में, अभी देखिए इधर भी फैले हुए, तो बस ऊपर कपड़े ही सूखते हैं, अभी सूखे भी नहीं है कपड़े, बारिश में यही दिक्कत होती है, वॉश कर दो तो सूखने की दिक्कत हो जाती है, जबकि मशीन में सुखाए हैं और जब सुखाए हैं कपड़े। तो जी बस मैं ये कह रही थी कि श्राद्ध है कल, और श्राद्ध है कल जो मेरे दादा ससुर हैं उनका श्राद्ध है, तो कल को मैंने किया आलू गोभी की सब्जी हलवा पूरी, तो उसी की तैयारी चलेगी बस, सुबह को फटाफट से फिर से मैं आपको दिखा तो नहीं पाऊँगी, बट हाँ कोशिश करूँगी कि थोड़ा बहुत दिखा दूँ। तो जी देखिए पुलाव बन चुके हैं, कैसे खिले खिले बने हैं, देखिए नीचे जा चुका है खाना, अभी बस दो ही जनों का गया अभी, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटियाँ, देखिए
ये ना मैं सब काम कर चुकी हूँ, अपनी किचन वगैरह सब क्लीन हो चुकी है, एंड छोटा सा ना इतना सा बिल्कुल इतना सा ही था चुका, एक एकदम से बच्चा आ गया। मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा, मैं कुकर रख रही थी नीचे, तो नीचे क्या हमारे ना थोड़ा वहाँ पर मैंने वैसे भी पटड़ी रख रखी है, बट फिर भी इतना स्पेस रह जाता है, बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है नीचे, तो बस वहीं से निकल के आ गए एकदम से, बिल्कुल इतना सा था वो, और एकदम से ऐसे चढ़ा वो और फिर पायदान पर चढ़ गया। अब पायदान का भी कलर वही और उसका भी वही कलर, तो मैं तो डर गई पता नहीं बस। फिर मैंने जैसे तैसे करके जब वो रूम में आने लगा ना यहाँ पे नीचे से, तो फिर मैंने गेट मारा तो फिर वो आगे चला गया, फिर इन लोगों ने उसको मार के ही छोड़ा है। बुरा लगता है पर ना ये ना ऐसे चढ़ जाते ना इधर से उधर, तो फिर डर लगता है बच्चे बच्चे को कहीं हार ना कर दे इसीलिए। तो बस खाना वाना सबका हो चुका है, मैं अपना खाना अंदर ले आई हूँ, चाय बना के लाई मैं, क्योंकि पता नहीं तो मेरे टमी में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और दूसरा खाना खाने का मन भी कर रहा है और नहीं भी कर रहा, तो बस मैं इसलिए चाय ले आई हूँ, चाय के साथ खाऊंगी, पुलाव वगैरह खाए नहीं जा रही थी मेरे से तो इसीलिए। एंड जो छोटा वाला देवर है वो अब तक आए नहीं है ऑफिस से अपने, तो बारिश भी हो रही है, अब उसको फ़ोन करेंगे, देखते हैं कहाँ है, कहाँ रह गया। एंड अब मैं प्रोफ करती हूँ पर, एंड अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर करना, सालू पटारिया ब्लॉग, तो कमेंट जरूर करना आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग, एंड इन दोनों को देखो, अभी मैं दिखाती हूँ छोटे वाले क्या कर रहा है। अभी इसने ना इसके बड़े वाले के मार दिए बस अच्छी तरह, और वो रोने लग गया, ये ऐसा ही है, बहुत हाथ चलते हैं इसके। तो ये देखिए इसको ना पता नहीं डायपर वैसे तो पहनना पसंद है नहीं, और मुँह में लेना इसको पता नहीं क्या, एक तो ना छोटे बच्चों को पता तो होता नहीं क्या खाने की चीज़ें क्या नहीं। अब बस अब देखो मुंह कैसे कर रहा है, कैसे मार रहे थे भैया के, कैसे पिटाई कर रहे थे देखो, अब ये लेटने के लिए बोल रहा है, हेलो कर दो पहले, हेलो करो, आ जाओ, अच्छा आओ इधर आओ आओ। इस टाइम तक ना इसकी पूरी बैटरी डाउन हो जाती है, टाइम देखो अभी 9:09 बजे, और ये सोने के लिए करने लग जाता बस, देखो देखो। और वो उसका भाई आओ, अच्छा आओ आओ आ जाओ, देखिए इसे अब नहीं रोएगा है ना, स्माइल कर दो पारी करना, पारी कैसे करते हैं, पारी कर दो, मामा को पारी कर दो, नहीं मामा देख रहे हैं, मामा मामा को पारी दो, नहीं दोगे, अच्छा ठीक है, गुड नाइट कर दो, बाय कर दो, बाय बाय बाय, बड़ी जल्दी कर देगा तो, चलिए बाय।